प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही और इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पालम हवाई अड्डे पर उतरने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी नेताओं से बात की। आज इस एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूँ। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करें। पूरी देश दुनिया जो है प्रधानमंत्री जी के दौरे को बहुत नज़दीकी से वॉच कर रहा था और बहुत ही सफल दौरा रहा। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को एक भारत के प्रधानमंत्री होने के रूप में इज्जत मान सम्मान मिली, तो वो इज्जत मान सम्मान पूरे देश की इज्जत मान सम्मान है। और पहले पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पांव छूकर बड़े भाई के तरीके से व्यवहार किया, इस बार एक सिंगर ने उनके पैर छूने का प्रयास किया, तो पता चलता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार जो है उसके विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और तमाम चाहे टेक्निकल डील्स हो, चाहे इकोनॉमिक फाइनेंशियल डील्स हो और कोऑपरेशन हो, ये अब तक 75 वर्षों में सबसे ऊंचाई की तरफ जो है रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़े हैं। और मिस्र में सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित पीएम को किया गया है। देखिए, अरब देशों में मिस्र का जो स्थान है वो एक माँ के स्थान के रूप में है और उसमें जब भारत के प्रधानमंत्री जी को मान सम्मान हाईएस्ट ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ द नाइल से उसको सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री जी को, तो वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक बहुत अच्छा भाव और भारत को भी मान सम्मान मिला। और दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं जिसके माध्यम से ये सब प्राप्त हुआ है और बहुत पुराने रिश्ते हैं जो आज तक कायम है। क्या बात कर रहे थे प्रधानमंत्री? बस वही बात कर रहे थे कि आशीर्वाद दिया, हमने बधाई दी, हमने बोला साहब जी छा गए आप दुनिया की यानी कैनवस पे, तो जितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन में बहुत सारी फीलिंग्स थी लेकिन छोटी और संक्षेप मुलाकात थी। बात तो ये थी कि मेरा पिया घर आया, गड़ियाली देव निकाल ली, मेरा पिया घर आया। उन्होंने सबसे हाल पूछा है, प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत खुश थे। अच्छा, 9 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई भारतीय जनता पार्टी? 9 साल तो हम सब लोग सेवा सुशासन, प्रधानमंत्री का मिशन था गरीब कल्याण, उन्होंने साक्षात उसको पूरा किया है। जो देश के लोगों को 14 में उम्मीद थी उनसे बड़ा मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब ने कहा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया पहली बार, ये वो खुद पहले कहते हैं कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है, मोदी साहब का नहीं है, देशवासियों। वो हमेशा कहते हैं इस बात को लेकर कि 140 करोड़ लोगों ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार उनको दी है उससे वो कठोर निर्णय लेकर और भारत को गौरवान्वित करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, तो भारत के 140 करोड़ लोगों के कारण ये सब कुछ हो रहा है।